आरा शहर के महावीर टोला स्थित लाल कुटीर भवन में मेडिकॉन हॉस्पिटल का उद्घाटन सह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव, अस्पताल के प्रबंध निदेशक अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और बादल विराट कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक ही छत के नीचे मरीजों को इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह के द्वारा हॉस्पिटल में बेहतरीन कार्य करने वाले महिला पुरुष स्टाफ को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर एस के सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर विनीति, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर राधा शुक्ला एवं डॉक्टर श्वेता सोनी शामिल थे। आप ही पूरे केयर टेकर हैं इस जगह के जी? किस तरीके से मरीजों का इलाज होगा यहाँ? यहाँ पर मरीजों का अच्छे से इलाज है। यहाँ पर देख ही रहे हैं डॉक्टर संतोष सर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो कार्डियो का पेशेंट देखते हैं और जनरल फिजिशियन का भी पेशेंट देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सर जितना भी ट्रॉमा इमरजेंसी के जितने भी पेशेंट है, पहले सर एम्स में भी थे, IGMs में ट्रॉमा में ही थे, और यहाँ पे भी इमरजेंसी का सारा पेशेंट सर देखते हैं। और हमारे पास न्यूरो के डॉक्टर हैं, हमारे पास गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, हमारे पास यूरो के डॉक्टर हैं, हमारे पास डायबिटोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, हमारे पास नेफ्रो के डॉक्टर हैं, हमारे पास मतलब कि पहले मेडिकॉन हॉस्पिटल था और अब इस बार मेडिकॉन को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं। और ये एक साल का समय लगा है इसको मल्टी स्पेशलिटी बनाने में, और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान तो हम तो केयर टेकर हैं, लेकिन कहने का मतलब तो डॉक्टर ही सब भगवान हैं पेशेंट के लिए। और जैसा इलाज हुआ और उसके बदौलत ही हम मल्टी स्पेशलिटी बनाए, इसलिए हम अपने सारे डॉक्टर को, जितने भी सर्जन हो, फिजिशियन हो, चाहे जिसमें भी स्पेशलिस्ट हो, उनको धन्यवाद करेंगे कि आगे भी हमारे हमको ऐसे ही मदद करते रहेंगे और हम लोग आगे भी और भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम बढ़ाएं। हमारे हॉस्पिटल में जितना भी है अब सारा कॉरपोरेट से काम हम लोग शुरू करेंगे, आयुष्मान भारत का काम शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड का काम शुरू करेंगे, हमारे में कंटीन की सुविधा हो चुकी है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे स्कूल में बर्न का केस, डायलिसिस का केस, जितने भी पॉइजन केस, IPD, ICU, NICU, CCU, यूरो सर्जरी, जितने भी प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, रीढ़ के स्पाइनल का सर्जरी आरा में कोई नहीं होता है, जो मेरे पास डॉक्टर साहब डॉक्टर सूर्य का निराला है जो स्पाइनल का सर्जरी करते हैं, और कुमार गौतम है ऑर्थो में, और मेरे पास यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, जो यूरोलॉजिस्ट है, किडनी ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं। तो हम लोग जितने भी पेशेंट आखिर इलाज कराने के लिए जो पटना जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? कि वहाँ पर कम खर्च में इलाज हो जाए, चाहे वहाँ बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मिल जाए। तो हम लोग की यही कोशिश है कि जो बढ़िया से बढ़िया इलाज जो पटना जाके जो मिलता है, उस इलाज को हम क्यों नहीं लोकल में दें? तो हम लोग चाहते हैं कि उस सारा इलाज यहाँ पर हम लोग दें। तो अब मेरा काम तो है कि डिपार्टमेंट बढ़ाना, लेकिन हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो लोग बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत बढ़िया सलाह देते हैं, जिससे हमको फ़ायदा होता है, मरीज बढ़ता है, मरीज का इलाज करते हैं। अभी तक हम लोग तो कितने ऐसे भी मरीज हैं जिसका सर्जरी, 7-8 ऐसे मरीज हैं जो रिकॉर्ड हम लोग फ्री में सर्जरी किए हुए हैं, जो गरीब थे, मेडिसिन का खर्चा दिए, सिर्फ उतना हम लोग किए हुए हैं। ऐसा हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम लोग करते रहते हैं, ये कहने की बात नहीं है। यहाँ पर सारा होली के त्यौहार पे इस नर्सिंग होम की शुरुआत भी हुई है, आज ही हुई है हॉस्पिटल जी, इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है, कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं होली के शुभ अवसर पे। हम लोग का ये हॉस्पिटल पिछले 1 सालों से रन कर रही है, जहाँ पे हम लोग पहले ही सभी लोगों को सुविधा दे रहे थे, लेकिन कुछ कम बेड और कुछ यहाँ पे सहूलियत ज़्यादा नहीं मिलने के कारण हम लोग को पेशेंट लोगों को, चाहे मरीज लोगों को ज़्यादा असुविधा होने के कारण हम लोग इसको एक्सटेंड किए हैं, जो कि आज हम लोग फुल फिल तरीके से इसको आप सेकंड फ्लोर तक मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे सभी तरह का ट्रीटमेंट है, जैसे कि जनरल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, डायबिटिक, ऑर्थोपेडिक, गायनिकी, फिर जनरल सर्जरी। तो हम लोग एक छत के नीचे
सारा व्यवस्था दिए हुए हैं, लेप्रोस्कोप जड़ी हुई यहाँ पर हो रहा है, और बहुत सारे हमारे पास जो डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर आशीष, ये हमारे सर्जन हैं, मैं खुद डॉक्टर संतोष, कार्डियोलॉजी सर, मेडिसिन डिपार्टमेंट, और कहाँ कहाँ से सर डॉक्टर आएंगे यहाँ पे? पटना से भी आएंगे और अन्य जगह बनारस से भी आएंगे क्या? और एक मेरे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी वो अभी पटना में बैठते हैं, तो उनको हम लोगों पास जैसा अगर केस होता है, मान लीजिए न्यूरो का उस तरह केस हो गया, तो हम लोगों को ऑन कॉल पे अपना बुला पटना से आ सकते हैं, पटना से आते हैं। मेडिकॉन हॉस्पिटल है ये, महावीर टोला में LIC बिल्डिंग के पीछे है, और यहाँ पे इसको अपग्रेड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारी सुविधा देने के लिए हम लोग सोचे हैं कि आरा में लोगों को सारी सुविधा दी जाए, जो आदमी पटना चले जाते हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, बार बार पटना जाना पड़ता है, और उससे मरीजों को भी परेशानी होती है, और पेशेंट लोगों जो भी हैं सब आरा से पटना करते रह जाते हैं और उनका इलाज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि आरा में कुछ नया किया जाए और एक छत के नीचे सारे डॉक्टर को एक साथ किया जाए। कहाँ कहाँ से डॉक्टर आएंगे? यहाँ